कन्हैया सुदामा जंगल में आ गए। भगवान बोले, भैया हम लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर नीचे डालेंगे, तुम ढेर लगाते रहना, बीनते रहना। भगवान पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, भैया सुदामा दो गट्ठर बन गए। हाँ भैया बन गए। भगवान नीचे उतर करके आए, बोले भैया सुदामा बहुत तेजी भूख लग रही है, अच्छा ऐसा करो जो मैया ने चने दिए थे वो निकाल लो। सुदामा चना निकाल ले वो, अरे भूख लगी है खाओ तब जाओ। सुदामा बोले, भैया हमें बहुत तेज सी भूख लगी, सो मुँह पर रहो ना गो, सुबह चना हमने खाए ले। गुरु से कपटे मेत्री से चोरी के निर्धन के हुई ओ कूड़ी। तो माता बहनो, अब गुरुजी को पता चला, गुरुजी को बहुत क्रोध आया, कन्हैया के साथ में इसने कपट किया है। और गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ में कपट किया है, उन्हीं चनों के बदले इतना कंगाल हो जाएगा, द्वार द्वार भीख मांगेगा। लेकिन बेटा कन्हैया तुम तो भगवान बनकर आए हो, तुम्हारे मित्र पर जब गरीबी आए तो बेटा तुम अपने मित्र की गरीबी जरूर दूर कर देना। अब प्यारे भक्तों, जो सुदामा जी को गरीब होने का श्राप मिला, ये श्राप कन्हैया ने नहीं दिया, और श्री कृष्ण भगवान ने नहीं दिया, तो गरीब होने का ये श्राप किसने दिया? भक्तों, एक गांव में एक बहुत गरीब बूढ़ी माँ रहती थी, और इतनी गरीब थी कि वो भिक्षा मांग करके अपना बसर करती थी, भीख मांग लाती जो मिल जाता वही खा लेती थी। अब मैया को एक दिन तीन दिन हो गए, एक बार वो मैया को तीन दिन हो गए अन्न के दर्शन नहीं हुए, तो मैया भीख मांगने के लिए गांव में निकल आई। एक तो बुढ़ापा है और तीन दिन से भोजन भी नहीं मिला, सो चला नहीं जा रहा है। मैया धीरे धीरे चलती रही, भीख मांगती रही। शाम होने पर आ गई तो मैया को भीख में चने मिल गए। मैया चने लेकर आई, पोटली बांध करके रख दी। अब तो शाम हो गई, अब भोजन करने से कोई फायदा नहीं। अरे तीन दिन से मेरे घर में ठाकुर जी का भी भोग नहीं लगा है। देखो कैमरा, अब एचडी में फुल एचडी में कर दो तो आंख ही चमकने लगी अपनी आंख, फिर ज्यादा जी भी जाता। और सनी राजपूत भैया जी माला डाल करके स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल मन दिखाएं। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे सनी भैया पर। तो मैया ने सोचा ये चने हम रख दें, सुबह जागेंगे, स्नान करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, फिर इन चनों का भोग लगाएंगे, भगवान भोजन पाएंगे, उसके बाद हम चने खाएंगे। सो मैया ने पोटली बांध के रख दी, मैया तो सो गई। आधी रात का वक्त हुआ, वह मैया के घर में भी चोर आ गए, चोरी करने लगे। अब परीक्षित जी महाराज, जब मैया के घर में तीन तीन दिन भय हुए, चूलो न जलो होए, बाकी घर में चोर को कहाँ मिल जावे गो, स्वयं चार पाई पे भूखी पड़ी है, चोर ढूंढते रहे कुछ नहीं मिला, खटखट की आवाज हुई तो मैया की आंख खुल गई। अरे कौन है, कौन घर में घुस आया? चोरों ने समझा बुढ़िया जाग गई, भागना शुरू कर दिया।
लेकिन भागते समय चोरों को वही चरणों वाली पोटली मिल गई। समझ गए इसी में कोई माल जेवर होगा वो बता रखा है, लेकर के भागने लगे। भागते भागते वो चोर गुर संदीपन के आश्रम पर आ गए। चार बज गए, बातें आपस में करने लगे। तो भैया अब गुर पत्नी ने देखा हमारे आश्रम पर कौन है, अरे कौन है आश्रम पर, कौन बैठा है। चोरों ने समझा यहाँ पर भी कोई जाग रहा है। चोरों ने आवाज सुनी, फिर भागना शुरू कर दिया। लेकिन भागते समय वो चोर चनन वाली पोटली वहीं भूल गए, आश्रम पर ही भूल गए, भाग गए। गुरु पत्नी ने देखा यहीं पर कोई बैठा हुआ था, कोई नहीं है। देखा कि पोटली बंधी पड़ी है। मैया ने पोटली उठाई, देखा उसमें चने हैं। अच्छा सुबह हुआ तो गुरु पत्नी ने दोनों बालकों को लकड़ी लेने के लिए भेजा, तो वही चनन वाली पोटली सुदामा जी को पकड़ा दी। कहा बेटा दोनों भाइयों को भूख लगे तो दोनों भाई मिलकर चने चबा लेना। अब कन्हैया तो पेड़ पर चले लकड़ियों को तोड़ रहे हैं। सुदामा जी ने सोची भूख लगी है भैया ऊपर चढ़ो, तब तक ये चना हम खा लेंगे। सुदामा जी ने पोटली खोली तो सुदामा जी उन चनों को देख करके समझ गए, उन चनों को श्राप लगा हुआ था। क्योंकि वो बूढ़ी माँ सुबह जागी, स्नान किया, भगवान को नवाया, भोग लगाने के लिए आई, चने लेने आई तो देखा चने है नहीं। बम्बैया सर पकड़ करके रोने लगी, मैं 3 दिन की भूखी बैठी और वो चोर चने भी चुरा करके ले गए। अरे मेरा श्राप है, ये बूढ़ी माँ अपनी दुखी आत्माओं से श्राप दे रही है, जो भी उन चनों को चबाएगा खाएगा वो चने खाते ही मेरी तरह निर्धन हो जाएगा, मेरी तरह कंगाल हो जाएगा, मेरी तरह वो द्वार द्वार भीख मांगेगा। गुर आज वो बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया। अब सुदामा जी ने चनन वाली पोटली खोली तो भैया सुदामा जी एक ब्राह्मण हैं और उनको ब्रह्म ज्ञान है। पोटली खोली, चनों को देखते ही समझ गए इन चनों को श्राप लगा हुआ है, जो भी चने चबाएगा वो गरीब हो जाएगा, द्वार द्वार भीख मांगेगा। और इन चनों में तो कन्हैया का भी भाग है, क्योंकि गुरु पत्नी ने कहा दोनों भाई मिलके सलाह सिखा लेना, और इन चनों को तो श्राप लगा हुआ है, अगर कन्हैया इन चनों को चबाएगा तो कन्हैया तो भगवान बनकर आया है और कन्हैया के साथ साथ तीनों लोग निर्धन हो जाएंगे, क्योंकि तीन लोग का भार लेकर के कन्हैया आया है। कन्हैया इन चनों को चबाएगा, कन्हैया के साथ साथ तीनों लोग निर्धन हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, तो क्यों ये चने मैं ही अकेले चबा जाऊं, मैं अकेला गरीब हो जाऊंगा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैं तीनों लोग कंगाल होने से गरीब होने से बचाऊंगा। प्यारे भक्तों इसीलिए सुदामा जी ने अपना भी भाग खाया और कन्हैया का भी भाग खाया। सुदामा जी ब्राह्मण थे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान था, इसीलिए तो उन्होंने कन्हैया का भाग खाया था। अरे अब प्यारे भक्तों गुरु जी को पता चला उन चनों को श्राप लगा हुआ था और सुदामा ने तीनों लोग निर्धन होने से बचाए हैं, इसीलिए कन्हैया का भाग खाया है। तो गुरु जी ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुम भगवान बनकर आए हो, तुम्हारे मित्र पर जब गरीबी आए, सुदामा जब गरीब हो जाए द्वार द्वार भीख मांगे, तो हे कृष्ण तुम अपने मित्र की गरीबी जरूर दूर कर देना, तुम अपने सखा की गरीबी मिटा देना, तुम भगवान से बनकर आए हो। आज भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में आए,
उन्होंने द्वारकापुरी बसाई। सुदामा जी अपने बेघर में लौट करके आए, झोपड़ी बनाई, उसी में रहने लगे। सुदामा जी के दो बालक हुए, लक्ष्मी नारायण और मोहन, और साथ में एक शेख रुपये दीपक राजपूत और मामा जी गणपत पर वाले, और एक शेख रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। भगवान कन्हैया जी की कृपा बनी रहे मामा जी पर, कृष्ण भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोली कृष्ण भगवान की, बोली श्री राधे रानी की। एक बार सभी भक्तों गाएंगे, ताली को बजाती होगी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुदेव से राई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुदेव से राई श्याम ने। हुई में हुई दीवानी, हुई में हुई मस्तानी, हुई में हुई दीवानी, हुई में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुदेव से राई श्याम ने। Thank you.
बोली कृष्ण भगवान की बोली राधे। सुबह से शाम तक भी मांगता रहा बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। दोनों बालक कहने लगे, सुधाकर भाई एक सेब पे दक्षिणा भेंट कर रहे हैं और हमारे सभी संगीत कलाकार भाइयों को 51-51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। भगवान कन्हैया का आशीर्वाद बना रहे भैया पर। दोनों बालक कहने लगे, पिताजी आप रोज रोज खाली हाथ लौट करके आ जाती हो और आप कुछ मांग करके नहीं लाती हो पिताजी। अरे लग रहा है कि भूख के कारण कहीं हमारा प्राण ना निकल जाए। आप देख रहे हो पिताजी, दो दिन से मुझे अन्न के दर्शन नहीं हुए, तो आज सुशील अपने बालकों से कहने लगी, बेटा मत रो, तुम्हारे पिताजी को किसी ने कुछ दिया नहीं होगा, इसीलिए खाली हाथ लौट आए। लो बेटा एक एक गिलास तो जल पी लो, जल पी करके सो जाओ, कल तुम्हारे पिताजी भोजन मांग लेंगे, तुम भोजन कर लेना। प्यारे बंधु, बम्बैया ने अपने बाल कण को जो जल पिलायो, भक्त जब तक पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचता है तब तक खाली पेट में जल ही दर्द करता है। दोनों बालक रोने लगे और वो माथा की देख करके सुलारी, बेटा सो जाओ, पर नींद नहीं आ रही है। सुबह हुआ, सुदामा जी जब भीख मांगने के लिए चले, दोनों बालक आई कहने लगे, पिताजी भीख मांगने तो जा रहे हो, आज खाली हाथ बताना, आज जरूर कुछ कुछ मांग करके ले आना। आज पिताजी तीसरा दिन है अन्न के दर्शन नहीं हुए, भूख के कारण पिताजी मन से नहीं चला जा रहा है। सुदामा जी ने कहा, बेटा आज मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ मांग करके ले आऊंगा। सुदामा जी आई, आवाज लगा रहे हैं और प्रतीक की 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद बना रहे हैं। सुदामा जी भी मांगने लगे, कहने लगे, एक ही घर मांगी दसी घर मांगे, और हर्षित भाई 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, कन्हैया का आशीर्वाद बना रहे हैं। एक ही घर मांगे दसे घर मांगे, अब भी किन मिले ना छोड़ी दिया, अब भी किन मिले ना छोड़ी दिया। Oh,
और साथ हमारे सुरेंद्र सिंह भैया जी कुलीपुर से पधारे हैं, 501 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। और सुदामा जी की गरीबी दूर करने के लिए 501 रुपए दक्षिणा भेंट करे, काम ना करे के हुए कन्हैया, सुदामा जैसी गरीबी कभी किसी को मत देना। सुरेंद्र सिंह भैया जी ने कुलीपुर से पधारे, 501 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। और सुदामा जी कह रहे हैं कि हे गोविंद बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे मुरली पाले, सुदामा जी जब आगे बढ़े सुबह से दोपहर हो गया, मिला तो कुछ नहीं। सुदामा जी ने सोचा आज कन्हैया मैं खाली हाथ लौट करके गया तो हमारी बालक क्या सोचेगी, हे कृष्ण आज तो कुछ मिल ही जाता, बालकों की दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। कन्हैया मैंने जो पाप किए हैं उसकी सजा तुम मुझे दे दो, मेरे बालकों को तुम क्यों सजा दे रहे हो। सुदामा जी आगे बढ़ी, एक ऊंचे स्थान पर बहुत सुंदर भंडारा चल रहा था। सुदामा जी आस लेकर खड़े हो गए, आज मुझे यहाँ जरूर कुछ कुछ मिलेगा। तब तक एक दयालु भैया आए, बाबा जी यहाँ क्यों खड़ी हो। सुदामा बोले भैया 3 दिन से भूखा हुआ भोजन नहीं मिला, आप मुझे भोजन करा दोगे। दयालु ने कहा कि बाबा ठहर अभी लेकर आ रहा हो। दयालु भोजन लाया, सुदामा जी ने कहा भैया आप इसमें रख दो और 3 दिन के बाद आज अन्न के दर्शन हो गए, बहुत खुश हो गए। सुदामा जी भोजन की पोटली बांधने लगे। दयालु ने कहा ऐ बाबा तू भूखा है तो भोजन कर ले, बैठ कर कम पड़ जाएगा और ले आएंगे, बांध कर ले जाएगा बाबा, तू जानवरों को खिलाएगा, तू ढोंगी है बाबा। और रवि भैया, रवि भाई हमीरपुर 101 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा बनी रहे रवि भैया पर, हमीरपुर से पधारे हैं भैया जी। तो आजो सुदामा बोले भैया मैंने ये भोजन जानवरों के लिए नहीं बांधा, मेरे दो बालक हैं लक्ष्मी नारायण और मोहन, और वो घर में भूखे बैठे 3 दिन से उन्हें भी अन्न के दर्शन नहीं हुए। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने बालक को भोजन कराऊं। चंचल पाल 20 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया जी की कृपा बनी रहे चंचल पाल जी पर। तो आप सुदामा जी ने भोजन की पोटली बांधी, कंधे पे डाली, लेके चल रहे।
आज भैया सुदामा बहुत खुश है कि मेरे में छोटे छोटे बालक 3 दिन के बाद भोजन करेंगे। तो सुदामा जी आगे बड़े बड़े पर भैया पाप ने पीछा नहीं छोड़ा, पाप पीछा करता हुआ आया। रास्ते में सुदामा जी को नींद आने लगी, सुप्रक्ष की छाया में लेट गए और भोजन की पोटली सर के पास में रख ली। इतने में ही पाप आया, भोजन की पोटली तो उठा करके ले गया, एक पोटली में राख बांध करके रख गया। तब सुदामा जी की आंख खुली, अरे मैं कैसा सो गया, भूख के कारण मेरे बालक घर में बैठे और मेरी रास्ता निहार रहे होंगे और मैं तो सो ही गया। सोनाली जी 20 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, राधे रानी का आशीर्वाद बना रहे लली पर। तो प्यारे भक्तों मत कर बेटो, आज धीरे धीरे सुदामा जी उठे, भोजन की पोटली समझी, उन्हें नहीं मालूम अब दुर्भाग्य के कारण जब पोटली में भोजन नहीं है, राख बन गई है। उन्हें मालूम दयालु भैया ने मुझे बहुत बढ़िया भोजन दिया है। सुदामा जी ने पोटली उठाई, कंधे पर डाली, लेकर के चलने लगे। द्वार पर आई, अरे आओ बेटा बाहर निकल कर देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या मांग करके लाई है। तो आज दोनों बालक आए, पोटली खोलने में जुट गए और सुदामा जी बोले, बेटा इस पोटली में भोजन है, दोनों भैया भोजन कर लेना, बच जाए तो थोड़ा मुझे भी दे देना, मैं भी बहुत भूखा हूँ। भैया सुशीला आई, बेटा तुम इस पोटली में क्या बना रहे हो। दोनों बालक बोले, भैया आज पिताजी 3 दिन के बाद भोजन मांग करके लाए हैं, सो हम दोनों भाई भोजन करेंगे, इस पोटली में भोजन है। सुशीला बोली, ला बेटा ये भोजन में थाली में रख दो, तुम दोनों भैया भोजन कर लेना और थोड़ा भोजन बच जाए तो मुझे भी दे देना, बेटा मैं भी बहुत भूखी हूँ। सुशीला ने पोटली खोली तो क्या देखा भक्तों, पोटली में भोजन नहीं, उसमें राख है। राख को देखकर सुशीला सर को पटक करके रोने लगी, कहने लगी, पति देव आज तुमने ये क्या किया, अरे तुम्हें कोई कुछ नहीं देता तो खाली हाथ लौटाते, तुम्हें तो राख बांध कर लाने की क्या जरूरत थी। वैसे वो विधाता हम लोगों से मजाक कर रहा है, आज तुम्हें बालकों के साथ मजाक करने की क्या सूझ गई, तुमने बालकन के चेहरे को नहीं देखा और तुम मजाक करने लगे। सुदामा ने देखा, बोले सुशीला ये क्या हुआ, एक दयालु भैया ने मुझे बहुत सुंदर भोजन दिया था और सुशीला दुर्भाग्य के कारण अगर भोजन से राख बन गई तो जाने मेरे कोई दोष ना है। सुशीला कहने लगी, तुम घर में बैठ जाओ, बहुत हो गया, कोई कुछ नहीं देता, रोज रोज खाली हाथ आ जाते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं देता, तुम घर में बैठो, मैं मांगने जाऊंगी, मैं अपने बालकों को भूखा नहीं दे पाऊंगी। तो सुदामा बोली, सुशीला तू भीख मांगने के लिए मत जा, अरे भीख मांगने के लिए मैं अकेलो बहुत ठहरो, कोई कच ना ही दे तो सुशीला मेरा जन का दोष है कि कोई काम को न होए। सुशीला आज सबैया खोटे
मेरे सुदामा भी को मांगी रे तोड़े में और सर्वासी पधारी हैं ललित 200 रुपए दक्षिणा भेंट कर रही हैं। देवी रुक्मिणी की कृपा बनी रहे, श्री राधे रानी करती रहे कृपा। तो आज सुदामा जी फिर से भी मांगने के लिए निकल गए। अब सुदामा जी चले जा रहे, भगवान ने सोचा अब हम अपने भक्त को अधिक दुखी नहीं देख पाएंगे। भगवान ने संत का रूप बनाया, सुदामा जी के द्वार पर आवाज लगा दी, भिक्षां देह। सुशीला ने अंदर से आवाज लगाई, बाबा तुम गलत जगह पे आए गए हो, तुम हो भिखारी, हम हो भिखारी, बाबा जब घर में कछु नाए है, तुम अगलो द्वार देख रहे बाबा। भगवान बोलिए रे, क्या तो सुशीला बोल रही है? सुशीला ने जानी कि बाबा कैसे जो मेरा नाम जाने। भगवान ने कहा मैं तेरा ही नाम नहीं, मैं तो तेरे पूरे परिवार का नाम जानता हूँ। तेरे ससुर को नाम चंद्रभामा हतो, सास को नाम अर्ची, तेरे पति को नाम सुदामा, तेरे दो बालक लक्ष्मी नारायण और मोहन। और सुशीला के मुंह में देख रही, बाबा मेरे पूरे परिवार को नाम कैसे जाने, जानेगी बाबा तू कैसे जाने। बाबा तुम हो भिखारी और मेरे पति भिखारी, सो भीख मांगत पे मेरे पति से काउ गांव में तुम्हारी भेंट वही हो गई, तासु तुम जानो बाबा। भगवान ने कहा नहीं, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, और जिसका पति हो द्वारका धीश का मित्र, बाकी घर में कछु ना है, झूठ बोल रही है। सुशीला बोली, बाबा बिल्कुल सत्य कह रही, जा घर में कछु ना है बाबा, मैं तो भूखी बैठी हूँ। तो भगवान ने कहा सुन, कुछ नहीं है तो अपने पति को द्वारका धीश कन्हैया से मिलने के लिए भेज दिए, तो तेरे घर सोने चांदी से भर जावे हो। आज प्यारे भक्त धीरे धीरे इतना कह करके भगवान तो चले गए, सुदामा जी भी मांग करके आई। सुशीला बोली, पति देव ये बताओ, बचपन में तुम्हारा कोई मित्र था? सुदामा जी ने कहा हाँ, मित्र तो था, बहुत बढ़िया, कृष्ण था, बचपन का मित्र था, भूल गया होगा। सुशीला बोली, नहीं, एक बाबा जी ने कही तुम द्वारकाधीश हो, श्री कृष्ण से मिलने चले जाओ, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा बोले, सुशीला का तेरी मति मारी गई, अरे जब गरीबी में सगे संबंधी छोड़ गए, रिश्तेदार नाता तोड़ गए, और तुम मित्र की बात कर रही है? तो भैया, सुशीला बोली, ना है पिया, को मेरी कसम हो चले जरूर जा, तुम्हें इन दोनों बालकन की सौगंध हुए, तुम द्वारका पुरी चले जरूर जा। अब प्यारे भक्तों मान कर बैनो, सुदामा जी बोले, सुशीला खाली हाथ जाऊं तो कछु न मिले, अब भेंट में ले जा बेकल तो कछु हो, तो गुरु के द्वार जाओ, भगवान के दरबार में जाओ, तो कुछ न कुछ ले करके जाओ। प्यारी भक्तो, सुशीला पूरे गांव में घूमे आई, पर बापो भैया मांगने से कछु न मिलो। एक द्वारे पे चावल की भूसी पड़ी, सो सुशीला ने बहे भूसी फटे पल्लू से फटक रही, चावल के टूटे टूटे कण निकले, पोटली बनाई अपने पति को गहाई, और कहा कि हे पति देव,
तंदल अच्छा भगवान को भेंट में दीदी ना आप चली जरूर जाओ। सुदामा बोले कैसे जाओ सुशीला की कैसी जाइए नगरिया बताबो सजनूरी है ग्राम द्वारिका द्वारिकापुरी बहुत दूर है कैसे जाऊं हाल बार से होने लगते है देखो कितनी तेज बादल है कैसे पहुंच पाऊंगो कि बहुत ही दूरी है ग्राम द्वारिका